दोस्तों, अगर आपने भी DSOL के अंदर 2024-25 सेशन के अंदर यहाँ पे एडमिशन लिया हुआ है और आपका एडमिशन कंफर्म भी हो गया है, और एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपने अपना प्रिंट स्लिप, अपना जो पेमेंट स्लिप है वो भी डाउनलोड कर लिया है, और अपना ID कार्ड भी UG सेमेस्टर 1 का यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, तो एडमिशन कंफर्म होने के बाद अब आपको साथ ही यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गए चुके हैं, जो कि हमारे एकेडमिक कैलेंडर है, जो कि UG सेमेस्टर 1 का और PG सेमेस्टर 1 का सभी कोर्सेज का यहाँ पे आ चुका है, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई, जल्द आपको मिल जाएगी, उस वीडियो को देखकर एकेडमिक कैलेंडर आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आपको एक SMS रिसीव हुआ होगा जिसमें आपकी एकेडमिक काउंसलिंग सेशन PCB क्लासेस जो कि ऑफलाइन होने वाली है, वो आपको SMS रिसीव होगा जिसमें आपका कोर्स नेम मेंशन होगा, साथ में आपको कॉलेज का नेम मेंशन होगा किस कॉलेज में आपकी ऑफलाइन एकेडमिक काउंसलिंग सेशन PCB क्लासेस होने वाली है, और टाइमिंग मेंशन होगी किस टाइमिंग पे आपको पहुंचना है, वो आपको SMS के थ्रू रिसीव होना स्टार्ट हो गया होगा। साथ में एकेडमिक कैलेंडर के अंदर भी मेंशन किया गया है जो आपकी एकेडमी जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी हमारी ऑफलाइन, वो 8 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी कुछ कोर्सेज की, और बाकी कोर्सेज की हमारी UG सेमेस्टर 1 के अंदर 15 सितंबर को होने वाली है। बात करें PG कोर्सेज की भी, हमारी 7 या 8 सेमेस्टर को आपका SMS आ चुका होगा जिसमें आपकी PCB क्लासेस होने वाली है, और उसका आपका SMS भी रिसीव हो गया होगा जिसमें आपको कॉलेज का नेम मेंशन होगा, उस कॉलेज में आपको जाके उस डेट को अपना एकेडमिक काउंसलिंग सेशन जो PCB क्लासेस होने वाली है ऑफलाइन उसको अटेंड करना है। तो ये नोटिस आपको जारी हो चुका है, आपका SMS रिसीव होना स्टार्ट हो गया होगा, तो रेडी हो जाइए PCB क्लासेस के लिए, जो कि हमारी एकेडमिक काउंसलिंग सेशन PCB क्लासेस है ऑफलाइन होगी, और उसमें आपको जो कॉलेज का नेम है वो मेंशन कर दिया जाएगा SMS के थ्रू, उस कॉलेज में पहुंच के आपको उस दिन यानी 8 सितंबर का अगर आपको नोटिस आया तो 8 सितंबर को पहुंच के टाइमिंग पे जो आपकी रहेगी 9:30 AM, इस टाइम पे पहुंच के अपना जो एकेडमिक सेशन जो काउंसलिंग है आपकी PCB क्लासेस वो आपको अटेंड करनी है। तो ये दोस्तों क्लियर होगा किस किस को हमारा 8 सितंबर को यहाँ पे जो एकेडमिक काउंसलिंग सेशन स्टार्ट होने वाली है वो आप एकेडमिक कैलेंडर के अंदर चेक कर सकते हैं, और किसको 15 सितंबर में यहाँ पे रिसीव होगा नोटिफिकेशन वो भी आप एकेडमिक कैलेंडर के अंदर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।